हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल विद अनदर वीडियो। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्वाइवरशिप कप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी एंड द यूनिट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेगुलेशन। इसके अंतर्गत आता है सर्वाइवरशिप कप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पढ़ते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग टू ईच एज फॉर अ गिवन स्पीसीज और ग्रुप। ये सर्वाइवरशिप कर्व जो है ये किसी भी एज पे एक स्पेसिफिक स्पीसीज या ग्रुप के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें स्पीसीज को इन्होंने तीन, जो इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने तीन टाइप के कर्व दिए हुए हैं, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थर्ड। टाइप वन जो है वो कन्वेक्स ग्राफ शो करता है, जबकि टाइप थर्ड जो है वो कनकेव ग्राफ शो करता है। इधर वाइज इस पे दिया हुआ परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ है, सीधे सीधे ग्राफ से ही क्वेश्चन आता है। आप बिल्कुल ग्राफ को माइंड में अपने सेट कर लीजिए, तो बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं टाइप वन और टाइप टू, टाइप थर्ड के बारे में। तो थ्री कैटेगरीज हैं इसमें, थ्री कैटेगरीज टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व दिया है। टाइप वन के बारे में पढ़ते हैं। टाइप वन कन्वेक्स कर्व है और इस टाइप वन के अंतर्गत जो भी स्पीसीज आते हैं उनकी जो मॉर्टेलिटी रेट होती है, मॉर्टेलिटी रेट ग्रेटेस्ट होती है इन ओल्ड एज में। ध्यान रखिएगा, ओल्ड एज में मॉर्टेलिटी रेट ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, टिपिकली के सिलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। लार्ज बॉडी साइज, इनका जो बॉडी साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लो रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब है नंबर ऑफ फेकुंडिटी, यानी बहुत कम होंगे। ठीक है, मतलब कम बच्चे को ये जन्म देंगे। ठीक है, लॉन्ग लाइफ स्पैन, इनकी जो लाइफ लाइन है वो लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, टिपिकली इनहेबिट स्टेबल इन्वायरमेंट, और ये क्या करते हैं, एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल है जैसे ह्यूमन एंड लार्ज मैमल्स लाइक एलिफेंट। ये जितने स्पीसीजेस हैं वो टाइप वन कर्व को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप टू कर्व डायगोनल कर्व है, आर इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप वन एंड टाइप टू, एंड मॉर्टेलिटी रेट जो होती है कॉन्स्टेंट होती है। सीधे सीधे लाइन से क्वेश्चन आते हैं, मॉर्टेलिटी रेट इज कॉन्स्टेंट ड्यू टू एक्सपोज पुअर न्यूट्रिशन या हाइजीन होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो बर्ड है और लिजार्ड है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट टाइप थर्ड कर्व है ये कनकेव कर्व है, सो फॉलो करता है, और जो इनमें मॉर्टेलिटी रेट होती है वो हाई होती है ड्यूरिंग यंग एज में ही मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होगी। स्मॉल बॉडी साइज होगी, स्मॉल बॉडी साइज छोटे छोटे होंगे, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होंगे, यानी वन टाइम्स में बहुत सारे एग्स देंगे। इसके अंतर्गत आप कहते हैं मैरीन फिशेस, बैक्टीरिया एंड ओएस्टर। ठीक है, इसके अंतर्गत, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होते हैं, मतलब ये एक जो होते हैं एक बहुत सारे रिलीज करते हैं एक साथ, बहुत सारे, क्योंकि इनके क्या होते हैं, प्रेडेशन के चांसेस बहुत होते हैं इनमें। प्रेडेशन के चांसेस मतलब खतरा ज्यादा होता है, और इनका जो इस बॉडी साइज होता है वो भी छोटा होता है। और ये इनबिट करते किस में करते हैं, ये इन वेरिएबल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, ये स्टेबल इन्वायरमेंट इनका नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल है ओएस्टर, प्रोड्यूस मिलियन ऑफ एग्स बट मोस्ट लार्वा डाई फ्रॉम द प्रेडेशन एंड अदर कॉसेस, मतलब ये अंडे इतने देते हैं, एक बहुत सारे देते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रेडेशन या अदर कॉसेस क्या है, बहुत सारे डाई मर जाते हैं। That survive long enough to produce hard cell life and relatively long respectively. ठीक, next, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, R selected and K selected theories हैं। क्या होता है R selected और K selected selection? ये इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो R selected एनिमल होते हैं वो टाइप थर्ड में शो करते हैं, जबकि जो K selection होते हैं टाइप वन। यहाँ मैंने आपको बताया था, जो टाइप थर्ड होते हैं इनकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है, मॉर्टेलिटी रेट हाई होती है यंग स्टेज में। ठीक है, यंग, लेकिन इनमें मॉर्टेलिटी स्टेज जो होती है वो लो होती है यंग में, एल्डर एज में बढ़ती है। ठीक है, टाइप थर्ड में है
इनके जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है बहुत हाई होती है, ठीक है, मोर एग रिलीज करते हैं वन टाइम्स में, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है। लाइफ स्पैन स्मॉल होगी, छोटी लाइफ स्पैन, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म टाइप वन के अंतर्गत आते हैं जो भी स्पीसीज, उनको हम के सिलेक्शन कहते हैं, और जो स्पीसीज टाइप थर्ड के अंतर आते हैं उसको हम आर सिलेक्शन कहते हैं। इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन एक आता। चलिए कुछ हम क्वेश्चन अब लगाते हैं आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन से आए हुए। अगर आप पीछे वाले कमेंट्स सारे पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी छूट नहीं सकता। ये सारे अगर आप कमेंट्स पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक। सारे कमेंट्स को ध्यान में रख के आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑन आर सिलेक्टेड स्पीसीज। मतलब आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो हैं, जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं उनका कौन सा करेक्टर्स नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड दो प्रकार के नंबर होते हैं। जो आर सिलेक्टेड थे ये कौन सा कर्व शो करते थे, ये टाइप थर्ड कर्व शो करते थे, टाइप थर्ड। एंड जो के सिलेक्टेड थे ये टाइप वन से शो करते थे, टाइप वन। आर सिलेक्टेड में क्या होते थे, इनकी इनका जो बॉडी साइज था छो स्मॉल होया करता था, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता था, मॉर्टेलिटी रेट इनकी हाई होती थी यंग में, और इसी के जस्ट अपोजिट के सिलेक्शन। तो इसमें हम देखते हैं आर सिलेक्शन में लार्ज साइज बता रहा है, सेकेंड बोल रहा है मिनी एंड स्मॉल ऑफस्प्रिंग बहुत सारे होते हैं लेकिन इनके बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं। अ लार्ज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं इनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए। एंड अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है इनमें, ठीक है, कम एज में ये रिप्रोड्यूसर हो जाते हैं, जिसका जो नॉट अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट है लार्ज साइज। इनका लार्ज साइज नहीं होता, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ थ्री आइडियलाइज्ड सर्वाइवरशिप कर्व ऑफ एनिमल्स। किसी एनिमल के तीन इन्होंने कर्व दे रखे हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थर्ड। फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड रेस्पेक्टिव सर्वाइवरशिप कर्व। ये कह रहा है कि फाइंड कीजिए। पहले इन्होंने कमेंट्स दे रखा है कि मैरीन पेलाजिक फिश, मैरीन में जो फिश पाई जाती हैं, मैंने आपको पहले बताया था जो स्मॉल फिशेज होती हैं, जो फिशेज होती हैं बहुत सारे अंडे एक बार में देती हैं, एक से रिलीज करते हैं, बहुत सारे एक रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मैरीन पेलाजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स ये टाइप थर्ड एंड टाइप फर्स्ट कर्व शो करते हैं रिस्पेक्टिवली। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि मैरीन पेलाजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स, जो मैरीन पेलाजिक फिश हैं ये टाइप वन शो करती हैं और जो लार्ज मैमल्स हैं टाइप टू शो करते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है कि सम बर्ड्स एंड लार्ज मैमल्स, ये सम बर्ड्स जो है वो फर्स्ट टाइप वन शो करते हैं सर्वाइवरशिप का, जबकि लार्ज मैमल टाइप थर्ड शो करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मैरीन पेलाजिक फिश एंड सम बर्ड, जो पेलाजिक फिश है वो फर्स्ट टाइप कर्व सर्व शो करते हैं लेकिन जो सम बर्ड्स हैं वो सर्व। तो इसमें सारा ऑप्शन ये सब गलत है, ठीक है, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है क्योंकि जो मैरीन है और पेलाजिक फिश है ये टाइप थर्ड शो करती है, टाइप थर्ड, ठीक है। इनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट होती है बहुत हाई होती है, हाई रिप्रोडक्टिव, और लार्ज मैमल जो मैमल्स होते हैं वो टाइप फर्स्ट शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत मैमल्स आते हैं, ह्यूमन भी आएंगे, ह्यूमन टाइप वन शो करेगा। सेकेंड में आपके बर्ड्स आएंगे, लिजार्ड आएंगे, सीधे सीधे आप यही अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा। टाइप थर्ड में जितने भी छोटे चीज थे बैक्टीरिया, फिश, फ्रॉग एंड जो भी हैं फिश, ये सारी इसमें टाइप थर्ड में, ओएस्टर जितने टाइप थर्ड में होंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि द डायग्राम बिलो डिपिक्स, आप देख रहे होंगे कि सारे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सीधे इस डायग्राम से आते हैं, इसलिए मैंने पहले कहा था कि सर्वाइवरशिप का जो डायग्राम इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, टाइप थर्ड कहाँ पे है, टाइप सेकंड कहाँ पे है, टाइप फर्स्ट कहाँ पे है। टाइप फर्स्ट ये है, टाइप सेकंड ये, टाइप और टाइप फर्स्ट को क्या बोलते थे, के सिलेक्टेड बोलते थे, के सिलेक्शन स्पेसिस लिख लीजिएगा हमेशा। और टाइप थर्ड को क्या बोलते हैं, आर सिलेक्शन। जो आर सिलेक्शन स्पेसिस हैं वो टाइप थर्ड कर्व शो करते हैं, जो के सिलेक्टेड स्पीसीज है वो टाइप वन शो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो डिपिक्ट थ्री जनरल टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व. ठीक है, ओनली दैट फोर फॉर्म ऑफ द सर्वाइव कर्व इज इंपॉर्टेंट नॉट इज एब्सोल्यूट स्केल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू. मतलब इस जो कर्व दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में कौन से कमेंट्स मोस्ट लीकली सत्य है. ठीक है, तो नियरली कॉन्स्टेंट मॉर्टेलिटी रिजल्ट इन एन टाइप सेट. ठीक है, तो नियरली कॉन्स्टेंट मॉर्टेलिटी, जो मॉर्टेलिटी रेट है कॉन्स्टेंट शो कर रहा है रिजल्ट इन टाइप, ये बिल्कुल सही है. ठीक है जूस, ये बिल्कुल सही है. ए फिश दैट ले वास्ट नंबर ऑफ एग एग्जिबिट अ टाइप थर्ड. मतलब जो फिश होती है बहुत हाई नंबर ऑफ एग रिलीज करती है, इसीलिए उसे टाइप थर्ड में शो करते हैं. ये भी क्वेश्चन सही है, ऑप्शन आपका. मॉर्टेलिटी रेट दैट इज इनिशियली लो, मॉर्टेलिटी रेट जो होती है इनिशियली लो होती है, बट देन इंक्रीजेज रैपिडली ड्यूरिंग ओल्ड एज एल्डर एज रिजल्ट इन टाइप वन. हाँ, मैंने पहले बताया था कि जो टाइप वन के हैं इनमें मॉर्टेलिटी रेट यंगर में बहुत कम होती है, लेकिन जैसे वो एल्डर एज में पहुंचते हैं मॉर्टेलिटी रेट इनकी हाई कर जाती है. ठीक है, ए स्पीसीज विद हाई जुवेनाइल मॉर्टेलिटी एंड हाई एडल्ट सर्वाइवरशिप रिप्रेजेंटेड टाइप वन. देखिए जो इसमें एडल्ट सर्वाइवरशिप है ये तो ठीक है, सही है, लेकिन जुवेनाइल मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है इसमें टाइप, तो ये ऑप्शन ही लीस्ट ट्रू है, यही कम सकते हैं, बाकी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अच्छा सॉरी, तो दैट्स ऑल अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से आप एक बार देख लीजिएगा. ये ग्राफ बिल्कुल सो है, ये ग्राफ अगर आप इसमें सो है माइंड में सेट है तो क्वेश्चन नहीं जाएगा कहीं. ठीक, देख लीजिएगा. और सारे इसके कमेंट्स, टाइप वन कौन कौन से कमेंट शो करता है, टाइप सेकेंड कौन से शो करता है, टाइप थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी सारे क्वेश्चन आप भेजेंगे. थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व.